अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप या पीसी में यूज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि किस तरह आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को, गेम्स को आसानी से अपने पीसी या लैपटॉप में खेल सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपने पीसी या लैपटॉप में अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है नॉक्स प्लेयर, जिसकी हेल्प से हम एंड्रॉयड ऐप्स को आसानी से यूज कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको देखते हैं किस तरह डाउनलोड करते हैं एंड किस तरह इसको यूज करना है। नाम है नॉक्स प्लेयर। उसके बाद हमें फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉक्स ऐप प्लेयर प्ले एंड्रॉयड गेम्स एंड एप्स ऑन पीसी। ये बेसिकली एक इमुलेटर है जिसकी हेल्प से हम एंड्रॉयड ऐप्स को हम नॉक्स ऐप प्लेयर के थ्रू प्ले कर सकते हैं। तो इसकी साइज़ की बात करें तो 440 MB के समथिंग है। विंडोज़ 7 हो आपके पास, एक्स हो, विंडोज 10 हो, सब में कंपेटेबल है। उसके बाद यहाँ से आप सीधा डाउनलोड पे क्लिक करके इस इमुलेटर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। बट मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो अभी मैं इसको डाउनलोड नहीं करने वाला। अब डायरेक्टली आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह से इंस्टॉलेशन वगैरह करनी है। तो अभी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा सेटअप नॉक्स प्लेयर का। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। जिस तरह नॉर्मली हम बाकी किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, सेम वैसे ही हमें नॉक्स प्लेयर को भी इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। कुछ देर इनिशियलाइजेशन के बाद यहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं आप। प्लीज़ वेट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ टर्न ऑफ योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर आपको इंस्टॉलेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही तो आपको एंटीवायरस है उसको टर्न ऑफ कर देना है। उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन के बाद उसको वापस से अपने एंटीवायरस को ऑन कर सकते हैं। तो अभी हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा फाइनल जो नॉक्स प्लेयर इमुलेटर है वो हमारा ऑन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अभी हम इसको लाइक एंड्रॉयड की तरह इसको यूज कर सकते हैं, जो भी हमें यूज करना हो वो सारी चीज़ें हम डायरेक्ट जिस तरह एंड्रॉयड में जो भी इंटरफेस होता है उसी तरह का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में जो तीन बटन है, बैक और ये होम बटन, तो ये सारे बटन भी आ रहे हैं एंड्रॉयड की तरह। उसके बाद यहाँ पे ऐप सेंटर है, जो भी ऐप वगैरह डाउनलोड करने हैं। अभी हम लोग प्ले स्टोर में चलते हैं और प्ले स्टोर से कुछ गेम्स वगैरह डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि वो काम करते हैं या नहीं। और प्ले स्टोर कहाँ मिलेगा, टूल्स में शायद हो सकता है। तो ये टूल्स में हमारा प्ले स्टोर है, इसको ओपन करते हैं और उसके बाद कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो इसमें पहले हमें साइन इन करना पड़ेगा जिस तरह मोबाइल फ़ोन में करना पड़ता है, उसके बाद ही हम ऐप्स को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो अभी हम इसको साइन इन करते हैं, उसके बाद कुछ ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते हैं। तो अभी हमारा साइन इन कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम कोई एप्लीकेशन या गेम वगैरह डाउनलोड करके इसको प्ले करके देखते हैं। ये है हमारा डॉक्टर ड्राइविंग, ये इसलिए मैं डाउनलोड कर रहा हूँ कि ये कम MB का है, तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। बाकी के जो गेम्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा MB में होते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं डॉक्टर ड्राइविंग डाउनलोड करता हूँ। उसके बाद प्ले करके देखता हूँ ये प्रॉपर तरीके से प्ले हो रहा है और किस तरह काम करता है। तो अभी हमारा डॉक्टर ड्राइविंग इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आ गया है, इस प्ले पे क्लिक करते हैं। तो अभी हमारा जो गेम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये गेम्स ही नहीं, आप और भी कई सारे एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड के हैं वो यूज कर सकते हैं आसानी से। तो मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। तो इस तरह आप किसी भी टाइप के एप्लीकेशन को यहाँ से प्ले स्टोर में जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं अपने PC में। जैसे कि यहाँ पे व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, फ्लिपकार्ट, MX प्लेयर, फेसबुक मैसेंजर, हॉटस्टार, जितने भी एप्लीकेशन है सब आराम से यूज कर सकते हैं आराम। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अपने PC लैपटॉप में किस तरह यूज करना है। सबसे पहले आपको नॉक्स प्लेयर ऐप इंस्टॉल करना है, उसके बाद उसमें साइन इन कर लेना है अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के, और उसके बाद प्ले स्टोर से आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, उनको डाउनलोड करके
यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।